के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। 10-10 हजार के दो इनामी बदमाश सहित 3 शातिर लुटेरों को अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा कई लूट और चोरी के मामले में है आरोपी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई धुरियापार चीनी मिल के सामान निकाय की बैठक। मिल की 50 एकड़ भूमि को लीज पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराने हेतु शासन को प्रस्ताव भिजवाने पर बनी सहमति। समीकेतिक बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला। कमिश्नर ने कहा महिलाओं और किशोरों को बनाए गए अधिनियम की पूरी दें जानकारी। डीजल के दाम को घटाने और देश से टोल सुविधा समाप्त करने सहित कुल 5 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के घर के दरवाजे को घेर कर दिया धरना। वार्डों के विकास के लिए धन अवमुक्त कराने के लिए पार्षदों के दल ने किया डीएम से मुलाकात। कहा नहीं हो रहा है वार्डों में कोई काम। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सैनिक बंधु की बैठक। कहा सैनिकों के समस्याओं के निस्तारण में शिथिलता बर्दाश्त नहीं। हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से घर घर जाकर टैक्स वसूली करेगी नगर निगम की टीम। विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने रूठे मानसून को मनाने के लिए यज्ञ कर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का किया कार्य। पूर्व सांसद फूलन देवी की 70वीं शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। खेल की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए खिलाड़ियों ने डीएम से की मुलाकात। जमीन पर दोनों पक्षों ने जताया अपना हक। यातायात विभाग द्वारा मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित हुई कार्यशाला। कहा बड़ों के साथ बच्चे भी यातायात नियमों के प्रति हों जागरूक। कमिश्नर ने गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर में कराए जा रहे साउंड एंड लाइट के कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का किया स्थलीय सत्यापन। 3 सूत्रीय मांग को लेकर ऑल इंडिया यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल ने शुरू किया 3 दिवसीय भूख हड़ताल। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अनिल चोपड़ा के प्रथम महानगर आगमन पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बैठक कर छात्र संघ चुनाव पर की समीक्षा। हिंदू जन जागृति समिति 27 जुलाई को मनाएगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। समिति के सदस्यों ने दी जानकारी। जिला फुटबॉल लीग में फुटबॉल क्लब गोरखपुर ने संतोष स्पोर्टिंग खोराबार को 2-0 से दी मात, जबकि क्रम क्षेत्र वारियर और सौराष्ट्र स्पोर्टिंग का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। और सच्चर रिपोर्ट लागू करने के लिए पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया नगर निगम पार्क में धरना।